check and mate. ये कैसे हो सकता है? मैं ये गेम कैसे हार सकता हूं? माना कि बिसात उसकी थी, मोहरे भी उसके थे, पर चाल तो मेरी थी। फिर मैं ये गेम कैसे हार गया?
साइड वाली इधर आ बे इधर ही रुक चलो रे ए लौकर चला रे चल लौकर चल वर्दी पहन चलो बाहर जल्दी निकालो इन सबको चलो सर वहां कोई है इधर इधर अंदर तेरे को मैं चौपाटी भेजा था ना बंदोबस्त के लिए तू ग्रैंड रोड कैसे पहुंच गया हल्का होने गया था मामा अभी क्या है ना घर में टॉयलेट नहीं हो तो आदमी जंगल में जाता है ना मतलब आपको मालूम है ना मामा मैं अपने एरिया में गलत धंधे होने नहीं देता हूँ इसके लिए कभी कभी ग्रांड रोड जाना पड़ता है ना पावन अबे सुधर जा अगर मैं तेरा मामा नहीं होता ना अब तक चार बार ट्रांसफर हो चुकी होती तेरी सर ले पी ले अभी इससे क्या होगा उतरेगी तेरी अरे बस करो ना मामा अरे वो निकाल के दो ना वो एस्पिरिन अरे नहीं नहीं वो पौवा भेजा फ्राई हो गया तेरा रेड मारने जानी है धोबीघाट पे ड्रग्स डील होने जा रहे तू उधर पौवा लगा के जाएगा येड़ा हो गया क्या रे तू अरे ले फोन ये तो सब फालतू का काम चालू है बाबू I'll call you back. बाबू गर्लफ्रेंड है तेरी नहीं नहीं मंगेतर क्यों ये पार्टी ले तेरे को ग्रैंड रोड का एड्रेस नहीं बताया दो ना मैम ले पवा ले आदमी की मजा है बाबा रात भर मजा मार के आया काय का मजा साली का छोटा मुंह देखे फंस गया मैं क्या स्कोर हुआ रे 220 पे 5 बटले आउट 86 पे खेल रहा है फिर तो इंडिया जीतेगा ही जीतेगा क्या भाव चल रहा है इंडिया विन 5 पेटी गए तेरे 5 पेटी 12 के भाव में अरे सामने देख कौन है ऑस्ट्रेलिया कांगरू समझे यार अभी 5-10 पेटी के लिए अपने इंडिया को थोड़ी हराऊंगा हाँ तू बड़ा देशभक्त रे बाबा अरे संभाल के चला यार मामा का माल है मुश्किल से मिलता है ठीक तो है ना अरे आज मंगलवार है बिंदास के रामदास कुछ नहीं होगा हाँ
सॉलिड शॉट मारता रे बचपन से. अभी मैं एक लगा के आते देख. चल निकल. अरे थोड़ी सर कहां ले जा तू. अरे 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 वो आगे जाएगा. अरे कोई बचाओ बचाओ गोली मार दूंगा पीछे पीछे. बचाओ भैया हट. ए बच्चा 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 गोली मार दूंगा. रुको कोई आगे नहीं आएगा. कोई आगे नहीं आएगा समझा. अरे छोड़ दो अपने बच्चे को पीछे पीछे सब. ए साले पीछे ना छोड़ छोड़ दे बच्चे को. मार दूंगा पीछे. अरे आगे नहीं आएगा. ये वर्दी हमें कमजोरों की रक्षा करने के लिए दी जाती है और जो लोग इस वर्दी का मान रखने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं उन्हें सम्मान मिलना ही चाहिए. और हमारे जिस जाबाज अफसर को इस इनाम के लिए चुना गया है उसका नाम है अभिजीत पाटिल. स्पाइनल कॉर्ड पे गहरी चोट लगी है. पेन थोड़ा मुश्किल से जाएगा. मैं पेन किलर लिख रहा हूं. जब पेन हो तो ले लेना. ये ठीक होने में कितना टाइम लगेगा. एक महीना दो महीना छह महीना या एक साल. मे बी फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ये लीजिए. दो शब्द क्या बोलूं. थैंक यू. आई डिजर्व इट. तुम पे लकड़ी तुम पे लकड़ी तुम पे लकड़ी मारे दे. ला, क्या बोला. सॉलिड है. सॉलिड बोला ना. सॉलिड बोला ना. सॉलिड सॉलिड सर. इस मेडल में तेरा भी हक बनता है. तोड़ के दू क्या. अरे नहीं नहीं कैश देगा तो चलेगा. अच्छा कांग्रेचुलेशंस. पब्लिक प्लेस पे शूट आउट. दो लोकल जख्मी हो गए. दो पुलिस वाले इंजर्ड है. ऐसी बहादुरी के लिए मेडल तो मिलना ही चाहिए राइट.
एक धुआं निकल रहा है क्या बाबू? देख जरा। यू डोंट डिजर्व दिस एक्चुअली। तुम तो ये वर्दी भी डिजर्व नहीं करते हो। इंस्पेक्टर मनीष दरीद साहब, देखिए क्या बोल रहे हैं। जैसे कहा है ना मनीष साहब, ये डिपार्टमेंट में बहुत सारे इडियट भरे पड़े और डिपार्टमेंट को इससे अच्छा पुलिस वाला मिला नहीं, इसलिए। अच्छा पुलिस वाला? पुलिस वाला अच्छा या बुरा नहीं होता, आदमी अच्छा या बुरा होता है। पुलिस वाला सिर्फ पुलिस वाला होता है। और मिस्टर अभिजीत पाटिल, आप किसी भी एंगल से पुलिस वाले नहीं है। सच्ची में? पुलिस वालों के कुछ उसूल होते हैं। वो क्या है ना मनीष साहब, मेरा एक ही उसूल है कि कोई उसूल मत बनो वरना तोड़ना पड़ता है। जल्दी करे, चल दो और दे, इसको भी दे। अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं करूँगा। और चलना बाबा, ये चलना पाव भाजी ठंडा हो रहा है, चल आजा, चार पाव एक्स्ट्रा। क्या बात? कौन है वो? क्या लफड़ा है? मारा उसने आपको? नहीं। ए, क्या रहा भाई, कौन है तू? दिखता नहीं तेरे को, मैं इससे बात कर रहा हूं। डरो मत, मैं पुलिस वाला हूं। मारा इसने आपको? नहीं। ए, सुना ना, चल अब निकल, कटले कटले, चल निकल चल। ये चोट कैसे लगी? ए, तेरे को क्या करने का भाई, चलना अपना काम करना, क्यों दिमाग की दही कर रहा, चलना। अपना एक काम कर रहा हूं। कैसा लगा इसको? बीवी है वो मेरी, समझे ना, बीवी। नहीं वो मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी। हमारा मैं इसको क्या कर लेगा तू? और मारूंगा, साले को काट दूंगा, तू घर चल, क्या लगता तेरा, यार तेरा, तेरे को भी काट दूंगा साले, तू है कौन बे? क्यों तरफदारी कर रहा तेरी? अबे मकरन नाम है मेरा, समझे ना तू, यही पर काट दूंगा तेरे को भी। कमीना साला, मार डालूंगा तेरे को। नहीं, क्या कर रहे हो, मत मारो। लड़की पे हाथ उठा रहा है, लेके जाओ उसे, और डालूंगा तेरे को। अरे मैं बोला कमीना साला, लड़की पे हाथ उठाता है। अरे छोड़ना, जाने दे रहे यार, फैमिली मैटर है, हस्बैंड वाइफ का मैटर है, सब चलता है, चल 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 चल। मेरा पाप भी यही बोलता था। क्लोज बोला ना, चल चल निकल निकल चल चलो चलो चलो। जानता तू इसको? हाँ, वो नार्कोटिक्स में था पहले। कमीना साला, रवि औरत पे हाथ उठाता है। सवाल लो, मैं जरा सत्यनारायण की पूजा में आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, प्लीज बाबू, मैं आ रहा हूँ बाबू। जहाँ भी देखो एक से एक लोग बैठे हुए। तेरी वाली। हाय। ये साली यहाँ क्या कर रही है? पर सॉलिड है। हे, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे हैं आप? शेट्टी साहब,
किससे मिले? मेरा भांजा अभिजीत पाटिल। ओह, नाइस मीटिंग यू। और ये शेट्टी साहब है, बार किंग कहलाते। शहर के 60% बार शेट्टी साहब के। अच्छा, मेरी सैलरी का 60% इनकी जेब में जाता है। तो ये पार्टी भी शेट्टी साहब ने दी है, याद रखना ये। लेट्स गो। चलो क्या जाओ, आइए बात करते। यू गाइस वर्क वेरी हार्ड, आई लाइक इट। पता है बचपन में मुझे भी पुलिस वाला बनना था, लेकिन दिस फैमिली बिजनेस एंड ऑल दिस प्रेशर्स यू नो। लेकिन आज भी पुलिस वालों के साथ आई कीप अ वंडरफुल रिलेशनशिप। तुम लोग जान की परवाह नहीं करते ना, आई रेस्पेक्ट। एंड यू नो आई कीप देम क्लोज टू माई हार्ट। आप जैसे लोगों के कारण ही हमारा डिपार्टमेंट चल रहा है। एक मिनट रानी, मीट, दिस इज माय रानी एंड दिस इज अभिजीत पाटिल इंस्पेक्टर। यूजुअली आई हेट पुलिसमैन, अक्सर बड़े टेढ़े होते हैं। बट यू लुक डिफरेंट। यूजुअली खूबसूरत लड़कियां बड़ी धोखेबाज और शातिर होती हैं। बट यू लुक डिफरेंट टू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। टाइम निकालिए, घर आइए। श्योर। और एक्चुअली आपके एरिया में एक बार खोलने का प्लान किया है मैंने, तो डिस्कस भी करना है। डेफिनेटली, अब बात मेरे एरिया की है तो आना ही पड़ेगा। हाँ, या श्योर, बाय। अभिजीत भाई सलाम। लाला भाई ने याद किया आपको। भाई पाटिल साहब आए। आओ आओ मिया, बहुत दिन बाद नजर आए हो। सुना है बड़े मेडल वेडल मिले तुम्हें। चलो अंदर चल के बात करते हैं। बैठो बैठो पाटिल मिया। क्यों मिया, जीतो तो रोकड़ा, नहीं तो प्रेम चोपड़ा। हाँ, रकम नहीं आई तुम्हारी अभी तक? आ जाएगी लाला भाई, जल्दी क्या, अभी तो सीरीज शुरू हुई। तुम जैसे लोगों के पास एक साथ लंबी रकम फंस गई ना, तो निकालने में बहुत दिक्कत होती है। अरे सेठ का हिसाब दिखाना। जी भाई जान। वाह, कल का मैच मिलाकर टोटल 25 पेटी। बचाओ भाईजान। अबे साले को जान से मत मार देना, मर गया तो फिर वसूलेंगे किससे? क्या है ना, अपने धंधे में जब तक पंटर जिंदा रहता है तब तक बुकी जिंदा रहता है। बहुत बढ़िया जाफरानी पुलाव बनाया आज, खा के जाओ, ऐसा जायका तुमको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन वो ना मिया, ना मत कहना। वैसे भी मेहमान नमाजी करने में बहुत लुत्फ आता है हमको। चलो मियां खाना खा के। इस शहर में अभी भी ऐसे कई रेस्टोरेंट्स और बार हैं जहां खुलेआम डांस होता है, नशे का कारोबार होता है। हेलो हेलो दीपक, क्या हुआ दीपक, आवाज नहीं आ रही है। यहाँ सब ठीक है, तुम अपना केबल चेक करो। I'm not getting you. एक मिनट, come here. Oh, okay. एक मिनट।
Everything's fine from my side. हाँ पर अरे निकल ना चेक किया तो प्रॉब्लम क्या है? शिट पुलिस आ गई. ये अरे ढापनिया तो सब चाय पानी का चक्कर है. ये बाबा ये क्या चाल ले का है? हाँ क्या हो रहा है? किधर भी कैमरा रखने का शूटिंग चालू करने का परमिशन है? परमिशन दिखा? हाँ हाँ है, वो प्रोडक्शन वालों के पास है, वो नाश्ता करने गए. ये पांडे चल कैमरा उठा. चला 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 सबका चला 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 साहब 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 ऐसा मत करो साहब. आप उन कौन? मैं रिपोर्टर हूँ. आपने देखा होगा मुंबई मिरर न्यूज चैनल पर. हाँ जिया जिया चक्रवर्ती मुंबई मिरर. तो चल तुम भी गाड़ी में बैठो, तुमको भी पुलिस स्टेशन लेके जाता है. चल ए हिला पड़ गया आत्मा दे. चला चले आपका भी टाइम बर्बाद होगा मेरा भी. यहीं कुछ सेटल करते हैं ना. सेटलमेंट क्या है भाई? आपको भी सोचना मांगता है ना. टाइम कैसे चल रहा है, सेक्शन कितना गर्म है, हम लोग को भी ऊपर जवाब देना पड़ता है. किधर भी कैमरा रखने का, शूटिंग चालू करने का, एक तो परमिशन नहीं तुम्हारे पास. परमिशन है मेरे पास, परमिशन दिखाती हूँ ना मैं आपको. गवर्नर के सिग्नेचर वाली, रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर वाली. इतना छोटा सिग्नेचर. आप देख सकते हैं कैसे इस पुलिस वाले ने हमारे कैमरामैन को छोड़ने के लिए 500 रुपए की रिश्वत ली. क्या पुलिस डिपार्टमेंट? अरे चिंटिया पिंकी ये लो करिए बक टी और बाबा लो बक. प्लीज की खुलेआम रिश्वत खोरी अब मत हाथ चम तुशम है ना. जायला कल ये थी वो साली हरमी. बच्चों के सामने गाली मत दो. साला गाली कौन दिया? साली क्या गाली होता है? साली मतलब भाभी की बहन. रिलेशन होता है. बजी के जब आ रहे. लेकिन यार इतनी चिरकुट गिरी 500 रुपए के लिए, वो भी पकड़ा गया. आजकल इनको पैसे भी ज्यादा लगते हैं. अरे तू कब गा? अरे कुछ नहीं रे बाबा, वो शनिवार था ना इसलिए लोचा हो गया. ये शनि मेरे पे हमेशा भारी गिरता है. देखना जिस दिन मैं मरेगा ना उस दिन भी शनिवार रहेगा. ये शनिवार का वार खतरनाक, बाकी सब वार रामदास के बिंदास. ये बजी गए. आजकल ये रात को राउंडअप पे भी बहुत जाने लगे हैं. वो क्या है ना, सेक्शन थोड़ा गर्म है इसलिए आजकल लफड़े बहुत हो रहे हैं, है ना? डाल 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 समाधान मिले मन को शांति. क्या इला इसको लगता है कि खाली पीली उधर जाके वो टाइम पास करता है. समय व्यतीत. हेलो काई का मिला सेक्शन गरम. अरे सॉलिड तो भाई, थैंक यू. समझे यार, तूने मेरी जान बचाई, मैंने तेरी जान बचाई, सब फिट हो. चलो चलते हैं. किधर? अरे क्या भाजी. तू यहां पर क्या कर रहा है? ठंडा पता था हड्डी की स्मेल मिलेगी तो दुम हिलाते हुए आओगे. अब जिस हड्डी के लिए तू दुम उठा सकती है, क्या मैं उसके लिए हिला भी नहीं सकता क्या? अकेले खेलने में क्या मजा है शेट्टी साहब, जीतोगे भी आप ही लेकिन हारोगे भी आप ही. यही प्रॉब्लम है. क्या है, मेरे को मेरे से दूसरा कोई हरा नहीं सकता. खेलेगा? अरे आजा बैठ खेलते हैं. आजा आजा. अरे डार्लिंग क्या देख रही है, मेहमान के लिए कुछ पीने का इंतजाम करो. शो व्हाट वुड यू लाइक? यू नो व्हाट आई लाइक. आप लोग एक दूसरे को जानते हैं क्या? हाँ, आपकी ये रानी जिस जनरल बार में डांस करती थी उस बार को मैंने ही बंद करा. लेकिन अब जिस बार में परफॉर्म करती हूँ उसे कोई बंद नहीं करवा सकता. रियली? क्या तेरे एरिया में मेरे को एक बार खोलना है.
बिंदास करो शेट्टी साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डांस का परमिशन नहीं मिलेगा, पुलिस प्रोटेक्शन पूरा मिलेगा। परमिशन? शेट्टी को परमिशन का भी जरूरत नहीं है। बस क्या शेट्टी साहब, रानी का लालच देके आप घोड़ा मारने के चक्कर में हो। एक को बचाया, दूसरा गया। ये घोड़ा बहुत डेंजरस है, किधर चलेगा मालूम नहीं। घोड़े के चक्कर में आप सिपाही को भूल गए, रानी तो गई आपकी। हेलो, गेम खत्म नहीं हुआ? हो जाएगा ना, आप सिपाही मारोगे मैं ऊंट मारूंगा, आप चेक बचाओगे फिर मैं घोड़ा मारूंगा, फिर हाथी, एंड देन चेक एंड मेट। क्या है, अच्छा खेलते हैं ना? अंडरएस्टिमेट किया इसको। मरने वाले का नाम मकरंद कुशवाहा बताया जा रहा है, जो एक भूतपूर्व पुलिस अधिकारी था, मुंबई पुलिस की नारकोटिक्स टीम में था। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जिस एरिया में पुलिस को मकरंद कुशवाहा की डेड बॉडी मिली है वो रात के समय काफी सुनसान और वीरान रहता है, इसलिए गवाह के मिलने की भी उम्मीद कम है। मकरंद कुशवाहा की हत्या गोली मारकर की गई है, क्या ये आपसी रंजिश का मामला है या कुछ और, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरामैन राजेश नाथ। जब रूप का अपने जलवा दिखा दूं रास्ता में घर का भुला दूं, जब रूप का अपने जल
शेट्टी बात करेगा। चले पटके। ए रुको रे। चल 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 जल्दी दुर्गा ये रे बाबा फटाफट जल्दी एक तेन ना चल 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 वैन के अंदर चल पीछे मुड़ेगा तो लाफ चल बस चल जल्दी चल ये खादी चल किधर हो कौन वही अपनी डांसिंग क्वीन छोड़ ना सटक गई होगी चल क्या अरे सोना उन्हें चल पटपट गया ना बाबा हाथ में दे बहुत देर हो रहा है चल जल्दी। मुंबई क्राइम ब्रांच की अपराध शाखा ने छापा मारकर 16 बार डांसर्स को अरेस्ट किया है। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। बार के मैनेजर और मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया है, लेकिन अभी तक बार के मैनेजर या मालिक को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुंबई मिरर पहले अच्छा बोलती है डांस बार का खुलासा कर चुका है, पर पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। टीवी देखने दो। तू साला एक नंबर का हरामी निकला। कुछ शेट्टी से साला पैसा भी लिया, उसका बार भी बंद कर दिया। तुमको मालूम है ना मामा, ऐसे लोगों से मुझे नफरत है जो औरत की कमाई खाते हैं। अरे इसलिए आप उनका भी खाता नहीं है। औरत की कमाई आराम से खा। बाटा अलग में फंस गया ना तो बहुत डेंजर है वो। येड़ा। और क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया 280/7, पर अभी दो ओवर बाकी है। तो 350 का आंकड़ा आराम से पार करेंगे। क्या साला जब देखो तब पनौती की तरह बात करते रहता है। क्या हाल है शेट्टी साहब, फिट एकदम? ये क्या है पागलपन? हाँ मेरा बार बंद करवाया, कस्टमर लोगों को हैरस किया, काय को? तो क्या है ना शेट्टी साहब, आपको बोला था ना डांस का परमिशन नहीं है। तो क्या हुआ 10 लाख बत्ती बना के डालने के लिए दिया था? हाँ वो तो प्रोटेक्शन के लिए था ना। तू क्या करेगा रे मेरा प्रोटेक्शन? इस पूरा सिटी में मेरे से बड़ा भाई नहीं है। आपको किसी ने मिसगाइड किया शेट्टी साहब, इसको जो आप बोलते हैं ना भाईगिरी, इसको भाईगिरी नहीं भांडगिरी बोलते हैं। और अगर इस एरिया का कोई भाई है ना तो वो मैं हूँ। अबे तेरे को तेरे यूनिट को इधर गार्ड के गया ना, फिर भी मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। आप मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है मालूम है ना, कि इस दुनिया में मेरे को एक ही चीज से डर लगता है, मेरे को किसी चीज से डर नहीं लगता। तुझे खेलने का शौक है ना, तो तुझे भी नहीं मारूंगा। अब हम खेलेंगे। हाँ खेलेंगे। चल रहे शेट्टी साहब, कभी टाइम मिला ना अपने माँ बाप की शादी करा लेना।
लाइफ बन जाएगी उनकी। कैसा पता चला रे तेरे को? हाँ कमीनी, मेरे कस्टमर के आगे जाके कमर हिलाती है। साली तेरा बस चले तो उसके साथ सो जाए। चल हट साली। पवन भाई, अरे ये पांडे सोता है क्या? ये बच बच खत्म कर पहला। उठ पांडे, छोड़ दे इन लोगों को। ठीक है साहब, ये चल साइन कर। तुम मकरंद को जानते हो क्या? मकरंद कुशवाहा? नहीं। हिस्ट्री शीट है क्या? नहीं, नारकोटिक्स में था वो। डिपार्टमेंट ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया, रिजाइन करना पड़ा उसको। देखा, दो दिन पहले जिंदी गली में ठोक दिया किसी ने इसको। मैंने सोचा शायद तुम इसे जानते, शेट्टी के लिए काम करता था ये। नहीं। पवन एक मिनट। हाँ ये वही है ना? हाँ। उस दिन इसकी वाइफ भी थी ना बार में? हाँ। तो लॉकअप में क्यों नहीं है? हो सकता है डांसिंग क्वीन के साथ वो भी सटक गई हो। हम्म, मैं इंक्वायरी करता हूं। वो जो लड़की तेरे साथ उस दिन डांस करी थी? रेशमा। हाँ भाई, शेट्टी के बार में डांस करती थी ना वो। गोली मार उसको। तुझे मेरे पास आने के लिए बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। तू मेरा पुराना कस्टमर है, तुझे मैं क्रेडिट दे सकती हूँ, कंसेशन भी और फ्री ऑफर भी। यही तो प्रॉब्लम है, तूने हमेशा मुझे कस्टमर जो समझा है। तो क्या समझूं? के दो कश तुम्हारा सारा दर्द दूर कर देगा। पेन होता तो आदमी साला पेन किलर लेता, लेकिन मैं साला येड़ा। मैंने ड्रग्स लिया, मेरे को क्या मालूम था कि साली मेरी ये इच्छा मेरे को इतनी भारी पड़ जाएगी।
गुड मॉर्निंग सर। किस एंगल से? सब सब कौन से एंगल से तुझे आज के मॉर्निंग गुड लग रहा है? व्हाट सर? हमेशा बोलता था साला शनि भारी, शुक्रवार को मर गया साला। वैसे ये सच कहते थे। उस दिन शूट आउट रात्रि 12 के पश्चात ही हुआ था। साला। कौन थे वो लोग? अभी तक पता नहीं चला सर, लेकिन सालों ने एक भी विटनेस नहीं छोड़ा। बाबा ये केस मेरे को चाहिए। लेकिन सर ये मेरा केस है सर, आई विल हैंडल इट। अभी तक तुम लोगों ने क्या पता लगाया? हाँ, उस रेस्टोरेंट में 16 लोग मारे गए थे। हम सबका बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये पता करने के लिए कि स्पेसिफिकली किसी को मारने के लिए तो आए थे वो लोग। लेकिन ये तो पता ना वो किसको मार के गए। जोड़ीदार था वो मेरा। अरे तुम्हारा जोड़ीदार अपनी जिंदगी ब्लैक पेन लेके आया था। उसकी जिंदगी उतनी कीमती जितनी बाकी लोगों की थी। लेकिन वो सिर्फ उसका जोड़ीदार नहीं था, एक पुलिस वाला था। और एक पुलिस वाले पे हमला मतलब पूरी डिपार्टमेंट पे हमला। तो सर आप कह रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट अब गैंगवार पुत्र आएगा? नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट को एक साथ में मिलकर काम करना चाहिए। इसलिए तुम अपनी अपनी टेंशन बाजू में रखो, मुझे वो लोग चाहिए। इससे पहले कि कल कोई और मरे और परसों हम में से कोई, आई वॉन्ट देम बिहाइंड बार्स। इसलिए तुम्हारे टेंशन घर पे रखो। अंडरस्टूड? बताते तेरे को। पकड़ साले को, पकड़। और हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि तू पिछले 3 दिन से कर क्या रहा है। साला पता कौन लोग थे चैनल में? पता अभिजीत साले पता कौन कौन थे? अरे रुको बस। अरे सर मैं कौन बोलता सर? छोड़िए। एक काला है और लंबा है, दूसरा काला है और बटला है, बाकी के जो दो है ना सब वो काफी हट्टे कट्टे। पक्का है तेरे को? बात करते सुना मैंने उन लोगों को। पिला पिला साली को बोलती खाली नाचेगी है। आ,
सब ठीक। ये सब अभिजीत चलो निकलते यहां से। यू किल देम? मैंने उन्हें वार्निंग दी, उन्होंने फायर किया, फिर मैंने फायर किया, वो मर गए और मैं बच गया, तो उसे एनकाउंटर कहते हैं। एनकाउंटर नहीं है ये, दिस इज मास किलिंग। मास किलिंग तो वो थी जो उन्होंने चाइनाटाउन में की, 16 लोगों को खड़े खड़े मार दिया, इसे कहते हैं मास किलिंग। तुम्हें उन 15 लोगों की मौत का कोई गम नहीं है, तुमने सिर्फ अपने दोस्त की मौत का बदला लिया है। हाँ तो शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। देखिए हम लोग एक प्रेस रिलीज इशू करेंगे और उसके बाद आप सबको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। ओके प्लीज मोमो क्वेश्चन। इंस्पेक्टर पाटिल, क्या ये सच है कि एनकाउंटर प्री प्लान था? आप लोगों ने उन क्रिमिनल्स को जिंदा पकड़ने के बजाय उन्हें जानबूझ के बेदर्दी से मार डाला। बेदर्दी से? तुम लोग ये वर्ड कहां कहां से लेके आते हो हम पुलिस वालों के लिए? पुलिस ने मासूम क्रिमिनल्स के साथ अत्याचार किया और बेदर्दी से उनको मार डाला। I'm just asking a question. उन लोगों ने जो चाइनाटाउन में किया उसके लिए क्या वर्ड यूज करना चाहिए? प्यार से 16 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है ना? लेकिन उनको जिंदा भी तो अरेस्ट किया जा सकता था ना? वो लोग जो एनकाउंटर में मरे है ना, उन लोगों ने एक लड़की का किडनैप किया, उसका रेप किया और उसके पहले 16 लोगों को मार दिया और उसमें एक पुलिस वाला भी था। How dare you? तुमने इसको हाथ कैसे लगाया? तुम पुलिस वाले हो तो कुछ भी कर सकते हो क्या? इससे तेरे साथी को लाठी मारी तो तेरे को इतनी तकलीफ हुई? वो लोगों ने मेरे साथी को इधर मारा, इधर पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, तो छोड़ देता मैं उन लोगों को? It is just like a confession, isn't it? हंगामा हो जाएगा जिया। ये न्यूज़ में नहीं जाएगा। But why? कुछ बात है इसमें। तुम्हें वो बात नजर आ रही है जो मुझे नजर आ रही है? No, I'm straight. देखना है कि आज भी युवराज T20 वाला वो जादू यहाँ भी चला पाते हैं या नहीं। एक ओवर में 6 छक्कों का वो डिपार्टमेंट इंक्वायरी बिठा रही है। मामा थोड़ा हटो ना यार। ऑस्टम के बाहर जाती हुई गेंद, युवराज ने गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेल दिया है और मैंने कहा डिपार्टमेंट इंक्वायरी बिठा रही है। हाँ इलियास, 5 पेटी इंडिया विन। अब मालूम है सब फिटनेस हो जाएगा। देख तू सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ तो बैठा रहा तो क्या? तो बाकी की कमेटी मेंबर को मैं संभालूंगा लेकिन एक आदमी अपने को डंडने वाला है। मेरे को मालूम है, मेरे अगेंस्ट जाके कोई फायदा नहीं होगा, डिपार्टमेंट मेरे साथ है। नथिंग पर्सनल, मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हूँ जो कानून के खिलाफ है और कानून किसी को भी 4 निहत्ते लोगों को मारने की परमिशन नहीं देता है, नॉट इवन फॉर अ कॉप। ऑलराइट देख यार, ये फिल्मी डायलॉग मेरे को समझ में नहीं आते हैं। मेरे को बस एक ही चीज़ मालूम है कि वो सारे शुभराज खत्री और उनको मरना ज़रूरी है। शुभराज खत्री? पता है शुभराज खत्री कौन है? हर वो क्रिमिनल जो पुलिस वाले को मारता और वो पुलिस वाले के हाथ कभी नहीं आता, ऐसे ही एक शुभराज खत्री ने मेरे बाप को भी मारा था। कौन था वो, कैसा दिखता था? जब मैं यहाँ आई
तब तक वो जा चुका था। आज तक ये नहीं पता चल पाया कि कौन था वो, इसलिए मैंने उसका नाम शुभराज खत्री रख दिया। अच्छा नाम है ना, शुभराज खत्री। देखिए, मैं मानता हूँ कि तेरे साथ जो कुछ हुआ बुरा हुआ, मैं मानता हूँ, पर एक पागल कुत्ते ने किसी को काट दिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि तू हर कुत्ते को पागल समझ के उसे गोली मार दे। साला यही तो प्रॉब्लम है, कुत्तों के बारे में सोचने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन हम इंसानों के बारे में कोई नहीं सोचता। कानून बनाना हम सब आदमियों के लिए, why don't you understand? लेकिन लगता है कि डिपार्टमेंट में होने के बाद भी तुझे कानून पे ही भरोसा नहीं है। है ना, बहुत भरोसा, जितना भरोसा मुझे भगवान पे है उतना कानून पे भी। लेकिन भगवान के होने के बावजूद हम इंसानों को अपना काम खुद करना पड़ता है। मैं भगवान के भरोसे इन हरामियों को नहीं छोड़ सकता। चल टीवी उठा फटाफट, सब सामान गोनी में भर दो। जी भाई जान। चलो जल्दी करो। क्या हो रहा है ये सब? सॉरी बॉस, भाईजान ने बोला था। जल्दी करो। जी भाई। मियां पाटिल, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। वो कुत्ते ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तंदूरी खरगोश खाया है पहले कभी? बड़ा चौकन्ना जानवर होता है, बहुत तेज भागता है, बड़ी मुश्किल से हाथ में आता है, पर होता है बहुत जायकेदार। लो नोश फरमाओ। पाटिल साहब के घर से 2 लाख का सामान और 1.5 लाख रुपया कैश मिला है, ये रहे। बस, हमने पहली बार किसी पुलिस वाले को इतनी तंगी में देखा है। मियां, ड्यूटी को ड्यूटी की तरह करोगे तो यही हाल रहेगा। बदलो अपने आप को। भाई, पाटिल साहब के पास से ये मिला है। तो ये शौक भी पाल रखा है? रख लो, छोटे के काम आएगा। पर खुरदार, पुलिस वाले हो इसलिए लिहाज रख रहा हूं। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, सिर्फ 7 दिन, और इन 7 दिनों में तुम्हारा कोई सौदा भी नहीं लिखा जाएगा। आया कुछ समझ में? 7 दिन में आपको आपका रुकड़ा मिल जाएगा, लेकिन अगर दोबारा कोई आपका पंटर मेरे घर में घुसा तो वहीं ठोक डालूंगा। छोकरे में आग है। ऐसे पूरे हैं ना? हाँ हाँ पूरे हैं। माल अच्छा ना? हाँ एकदम खरा है। चल निकल, भाग। अरे बाबू, आपका कुछ गिर गया है। कोकिनवा है। ट्रांसफर हो के आए हो क्या? उम्र के हिसाब से नहीं भरती तो नहीं लगते। तो पहचान लिए? कोकेन और हेरोइन के बीच में बहुत कम लोग फर्क जानते हैं। या तो खरीदने वाले या बेचने वाले या तो पुलिस वाले। जेपी यादव कहते हैं हमें, फुल फॉर्म जगदम्बा प्रसाद यादव, ठीक है, सीबीआई अफसर हूं। वो जो आप फेक एनकाउंटर किए ना, ओकरी इनकाउरी करने आया हूं काका, इनकाउरी करने खाते। फिलहाल हम चलता हूं, जय राम जी की। एक खबरी ने टिप दी थी, इसलिए मैंने इंस्पेक्टर पाटिल के यूनिट को वहां रेड डालने के लिए भेजा, और जब वो वहां पहुंचे तो वहां एक लड़की बंधी हुई पड़ी थी जिसका गैंगरेप हुआ था। और गायतोंडे, इंस्पेक्टर पाटिल उन लोगों को पहले सिलेंडर का वार्निंग दिया, वहां से फायरिंग हुआ, काउंटर फायर मां, उस सब का सब मारा गया। रिपोर्ट हम देखा,
ये इंस्पेक्टर मनीष का रिपोर्ट कुछ और ही बयान करता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सॉरी सर, पर मुझे नहीं लगता कि पॉटी में बैठा हुआ आदमी किसी की जान ले सकता है। सत्य कह रहा है। तो उस दिन ओकरे साथ आप भी था। सुना है आपका साहब शराब बहुत पीता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। प्रायः हमारे साहब शराब का सेवन करते थे, परंतु उस दिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। हम आपसे सवाल नहीं किया तो प्रायः आप जवाब भी नहीं देंगे। खामोश। सर पांडे सही कह रहे हैं, उन्होंने उस दिन शराब नहीं पी थी। हाँ, लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद मैंने उन्हें ड्रग्स लेते हुए देखा था। अच्छा, बहुत ही अच्छा है। शाबाश, अपने सीनियर खिलाफ बयान देता है। बहुत तरक्की करे आप सरान। अच्छा, बहुत ही अच्छा। जेपी यादव बोल रहा हूँ। हम कैदियत कह दिया, एक बार फाइनल सुनवा नीचे रखिए। करेक्ट मी भाई रांग। आउट ऑन लड़की एक रेप हुआ, प्रोफेशनल थी, हमारा मतलब धंधा करने वाली थी। हाँ तो मेडिकल करवाया? नहीं। काहे? जरूरी नहीं लगा। जरूरी नहीं समझा आपने। सिंह साहब नोट कीजिए। जी सर। इन्होंने मेडिकल करवाना जरूरी नहीं समझा, तो क्या गारंटी है कि उस लड़की का रेप हुआ? एक काम करो, अब वो लड़की को बुला के पूछो ना। बुलाया हूँ, बुलाया हूँ। मैडम आइए। रानी चौहान कहते हैं आपको? यस, यू कैन कॉल मी रानी। आई एम जेपी यादव, सीबीआई। यू कैन कॉल मी जेपी। तो ये कांड जो हुआ, ये आपकी आंखों के सामने हुआ? जी हाँ। तो रानी चौहान जी, ये जो आपके सामने कांड हुआ, जो इन्होंने उन चार लोगों को गोली मारी, उन चार लोगों ने आपके आपके शरीर के साथ कुछ खिलवाड़ किया, हमारा मतलब है बलात्कार किया। नहीं, उन्होंने मुझे पे किया था, वो भी एडवांस में। वो मेरी प्रोफेशनल विजिट थी। अच्छा, झूठ बोल के साली, मार डालूंगा तेरे को। इधर यादव इसमें झूठ बोल रही है, छोड़ो मुझे। झूठ बोल रही है साली, झूठ बोल रही है ये। मार डालूंगा तेरे को साली, तेरे को इधर ही गाड़ दूंगा। झूठ बोल रही है ये, छोड़ो मुझे। झूठ बोल रही है यादव जी, ये सब छोड़ो। वो ऐसा है पाटिल साहब, आप तो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता लाइफ में, टेंशन मत लीजिएगा। आखा मीडिया आपके खिलाफ हो गया है, और डिपार्ट तो पहले से आपके खिलाफ था ही, डिपार्टमेंट टोटल, और ये जो रिपोर्ट बन रही है ये भी आपके खिलाफ है। हम क्या करूं? और जब तक रिपोर्ट तैयार होती है तब तक हमें आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। मजबूरी है, क्या करें, उम्मीद है समझेंगे आप। समझ रहे ना आप? करेक्ट मी फॉर राम। ओके। हाँ जी, हो गया आपका काम, हो गया सेठी साहब। अरे हम कहा भाई, जब हम कहते तो फाइनल। ना 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 ना, इसमें कोई फटफट नहीं है। आइए इंस्पेक्टर पाटिल साहब,
अभी इंस्पेक्टर पाटिल कहाँ है? सिंपल पाटिल है, मैं जानता था तो आएगा। देख तू गेम छोड़ के गया, मैं पूरा गेम पलटी कर दिया, अब क्या बोलता है? ये तो चीटिंग है शेट्टी साहब, जिन मोहरों को मैं सफेद समझता था वो तो सारे काले निकले। ये ब्लैक एंड व्हाइट से कोई जीतता नहीं है, दिमाग से जीतता है, और तेरा दिमाग तो इसने धुएं में उड़ा दिया। अभी गेम इक्वल हो गई शेट्टी साहब, अभी गेम इधर फिनिश करो ना। फिनिश करेगा, हारने का वक्त आ गया तो ड्रॉ करने का। अरे आप लोग भी फुकड़ में इसको एड़ा एड़ा समझते हैं। हेलो, अभी तेरे को काली चेक दिया तो सस्पेंड, जब चेकमेट दूंगा ना एकदम डिसमिस। जाने दो शेट्टी साहब, ये हार मान गया है। आप अब भी इस बेचारे की इज्जत का गैंग रेप क्यों कर रहे हो? अभी शुरू कहाँ किया है रेप, अभी करेंगे। तुझे ड्रॉ करने का है ना, तो ठीक है, एक काम कर, जिस बार को तूने क्लोज किया उस बार को खुद ओपन कर। छापा मारा था और बार डांसर्स को गिरफ्तार किया था, और आज आप देख रहे हैं इस बार का दोबारा उद्घाटन हो रहा है उसी इंस्पेक्टर अभिजीत पाटिल के हाथ जिन्होंने ये बार बंद करवाया था। जब आदमी के पत्ते अच्छे हों तो वो ये नहीं सोचता कि सामने वाले के हाथ में कौन से कांस हैं, लेकिन जब साली किस्मत ही खराब हो ना तो आदमी अच्छे पत्तों पर भी हारना शुरू कर देता, और जब हर चाल उल्टी पड़ने लगे तो दो ऑप्शन रह जाते हैं, या तो गेम छोड़ दो या फिर चीटिंग करो। अरे सॉरी मामा, अकेले ही चालू हो गया। निकलो अभी, तुम्हारे लिए बनाओ क्या? सस्पेंड होने की पार्टी दे रहे हो? नहीं नहीं, आज चला मेरे अपने एरिया में, मैं एक डांस बार खोल के आया, उसी इंस्पेक्टर अभिजीत पाटिल उसकी पार्टी दे रहा हूँ। ये देख, तू ये बात दिल पे नहीं लेने का, अपने धंधे में चलते ही रहते, छोटी मछली का शिकार करने का, बड़ी मछली से फ्रेंडशिप करने का, ने तो खा जाती है साली। बर इंक्वायरी खत्म होने दो ना मामा, एक बार वर्दी वापस मिले ना तो वो बड़ी मछली के पेट के अंदर जाके फाड़ डालूंगा उसको। चीयर्स। वो ऐसा है तारा सिंह, जो हम कहा बस उसी पे ध्यान देना। जी सर। और क्या हाल है यादव साहब, सब ठीक? शेट्टी साहब से आपकी बात हुई? वो ऐसा है, पास आ रही है क्या? तो क्या नकल रात को थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, ड्यूटी पर नहीं हो ना? समझता हूँ बरखुरदार, सब समझता हूँ, चलता है। अभी तो मैं आप ही की पार्टी में आ गया हूँ, अब तो ये मैटर क्लीन करो ना। अरे चिंता कहाँ करते हो अभिजीत बाबू, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और हमरे करने न करने से क्या फर्क पड़ता है, फाइनल तो वही होगा ना जो सेठी साहब चाहेंगे। पुलिस एनकाउंटर में मरने वाले लड़कों के पास जो गन मिली थी वैसी गन चाइनाटाउन के शूटआउट में भी यूज हुई थी। हाँ तो? लेकिन चाइनाटाउन में जो लोग मरे वो उस गन से नहीं मरे, इनफैक्ट उस गन से गोली चलाई नहीं गई थी। बोले तो जिन लोगों को आप मारा वो ना तो चाइनाटाउन में गोली चलाई और ना ही लौंडिया रेप किया, बेफजूली मार दिया उनका।
लेकिन वहां तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिले थे। सर्कमस्टेंस हम बताता हूं आपको। मिस्टर अभिजीत पाटिल, अब सर्कमस्टेंस आपके सामने सिर्फ दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन, रिजाइन कीजिए और इज्जत से निकल लीजिए। ऑप्शन नंबर टू, मर्डर चार्ज लगाऊंगा, केस चलेगा, जलील करके निकालूंगा। करेक्ट मी फायर राम। आने दे। आइए अभिजीत पाटिल साहब, कैसे हैं? एकदम फिट। साला अपना हरामीपन दिखा दिया ना तूने, अपने एरिया में बार खोल के दिया, मांडोली किया, बोला इधर इच मैटर फिनिश कर, फिर भी तूने साला मेरे नौकरी पे लात मारा। अरे तू भी वही किया, वो टाइम तू पलटी खाया, ये टाइम मैं पलटी खाया, बराबर। क्या है, तेरे जैसा पुलिस वाले का भरोसा ही नहीं करेगा, कभी भी पलटी खाएगा साला। समझ गया, फट गई है तेरी, तेरे को लगा वर्दी मिलेगी तो बजा डालूंगा। अरे पॉइंट पकड़ा रे, पॉइंट पकड़ा। ये क्या है, वर्दी लगाने से कुत्ता भी शेर हो जाता है। ओए, आज तू भी नॉर्मल, मैं भी नॉर्मल, देखते कौन किसका बैंड बजाता है। कुछ उखाड़ना है तो उखाड़। चलो तेरी तो बोला ना, तेरे तेरा बैकबोन वीक है, जास्ती अकड़ेगा ना डेंजरस है। बहुत भारी पड़ेगा शेट्टी साहब को बाहर छोड़ के आना। क्या चल रहा है सब? क्या हो रहा है इधर? क्या क्या कर रहे हैं? उतरने के लिए आया हूं, पकड़ेगा। चल छटपटी दिखा था। छोड़ छोड़ साले। इतना अच्छा इंस्पेक्टर ड्रग्स के चक्कर में बर्बाद हो गया। आई होप आई कैन हेल्प हिम आउट। तुम साली वाट लगा डाली तूने मेरी, इज्जत गई, वर्दी गई, सब खत्म हो गया। अब तो खुश है ना तू? क्यों आए हो तुम यहाँ? डर मत, मारूंगा ही मैं तेरे को। मारना होता तो उसी दिन टोक डालता जिस दिन मेरे खिलाफ तूने स्टेटमेंट दिया था। ये कोकेन बिल्कुल मेरे जैसी है ना? तुम इसको छोड़ दो, लेकिन ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। शेट्टी का माल साला एकदम जबरदस्त है, प्योर अनकट, मार्केट में ऐसा माल नहीं मिलता। कोई ऐसा माल बेचेगा तो शेट्टी बेचने नहीं देगा, यही तो उसका असली धंधा है। ड्रग्स? और ये सब डांस बार? ये डांस बार भी उसके लिए कस्टमर तैयार करते हैं। शेट्टी अपना माल लाता कहाँ से? अगर उसका माल उड़ाने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, वरना वही होगा
जो मकरंद और उसकी रेशमा का हुआ था। समझे? मकरंद कुशवा शेट्टी के लिए काम करता था। कल किसी ने चिंदी गली में उसको ठोक दिया। पवन ने कोई सेविंग वगैरह नहीं की? जो भी मैंने बचा के रखा था वो भी उड़ा दिया उस बार डांसर के चक्कर में। उस साली रेशमा। ड्रग्स, साला इसी ड्रग्स ने पवन की जान ली, मेरे को बर्बाद किया। साली एक चाल गलत चली और पूरा गेम ही पलट गया। टेबल पर नींबू पानी रखा है, पी लो। इधर कैसे आया? तुम बताओ। मैंने बहुत दारू पी हुई थी। याद नहीं आ रहा। तुमने आधी रात को डोरबेल बजाई, मैंने दरवाजा खोला और तुम बड़े आराम से अंदर आ गए, जैसे ये तुम्हारा घर है। शायद मैं बहुत नशे में था ना। बहुत ज्यादा। मैंने कुछ कहा तुमसे? हाँ, बोला तो बहुत कुछ पर कहा कुछ भी नहीं, बस गालियां बक रहे थे। किसको? अपने आप को, थोड़ी बहुत शेट्टी को। लेकिन मैं यहाँ आया क्यों? क्योंकि शायद तुम अपना वो गुस्सा, वो दुख, वो फ्रस्ट्रेशन किसी और के साथ शेयर करना चाहते थे। वैसे मकरंद और रेशमा कौन है? वही जिन लोगों की वजह से मेरा जोड़ीदार पवन मारा गया, शेट्टी ने मरवाया उनको। लेकिन क्यों? वो सारा लफड़ा ड्रग्स का है मामा। वो शेट्टी का माल उड़ाने के चक्कर में थे, शेट्टी ने उनको ही उड़ा दिया। और पता है माल कहाँ से आता है उन लोगों के पास? जो माल हम लोग पकड़ते हैं ना, वो माल सीधा पुलिस कस्टडी से शेट्टी के पास पहुंच जाता है। मतलब अपने डिपार्टमेंट से कोई शेट्टी से मिला हुआ है? 100%। वो साला शेट्टी जब एक सीबीआई ऑफिसर को खरीद सकता है तो वो किसी को भी खरीद सकता है। लेकिन तेरे को तो खरीद नहीं पाया अब तक। वो क्या है ना, मेरे अंदर वो कीड़ा है ना, इसके लिए। तुझे क्या लगता है कौन हो सकता है गद्दार? वो जो भी हो, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। आई शपथ कापून टाकना।
जोड़ो यार, जोड़ो इसे। देखा मैंने आपको, लेडीज पर बहुत सिंपति है, वेरी क्यूट। यहां क्या है, यहां के लोग लेडीज को रिस्पेक्ट नहीं देते, इसलिए आज से आप यहां जो कोई भी लेडीज हैं उनका सेफ्टी रखना। इसके बदले में यहां का दारू वारू लेडीज के बिना एवरीथिंग ऑन द हाउस। लेडीज चलो। ओके बाबा, आई विल बी ऑन टाइम। हाँ बाय। ओहो सर, ये पैकेट याद है तेरे को? धोबी घाट की रेड में मिला था, बिहारी का माल है, कस्टडी में तू ही जमा करवाता था ना, तो ये माल शेट्टी के पास कैसे पहुंचा? सर ये माल तो पवन साहब ने जमा करवाया था। मुझे पता था तुम मरे हुए आदमी का ही नाम लेंगे। सर आप मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहे तो आप पांडे से पूछ लीजिए। तुझे पता है मैं एक ही बात पे भरोसा करता हूँ, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। चल निकलता हूँ। हेलो पाटिल साहब, इलियास बोल रहा हूँ। सलाम। लाला भाई ने याद किया। हाँ मैं आता हूँ। तो क्या कह रहा था हमारा ये बेस्ट पुलिस बना दे यार। आओ 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 मियां पाटिल। अभी 5 दिन बाकी है लाला भाई। माशाल्लाह, तो तुम्हें याद है, फिर तो रकम भी याद होगी, 55 लाख। नॉनवेज ज्यादा खाने से यही होता है लाला भाई, मेमोरी खराब हो जाती है। हमारी याददाश्त तो ठीक है बरखुरदार, लेकिन लगता है तुम्हारा दिमाग आजकल ठीक नहीं चल रहा है। वैसे परसों तक तो रकम 50 लाख की थी, लेकिन तुमने 5 लाख कर्जा और बढ़ा लिया है। बेटा इकबाल जरा बाहर आना। ये हमारा छोटा भाई है, टोटल 12 साल छोटा है उसे। हमारा लाड लाई है। लेकिन वो माल करीबन कुछ 10-15 हजार रुपए का होगा। मियां तुम्हारी किस्मत अच्छी है के 5 लाख में जान छूट रही है, वरना हमारे भाई पर हाथ उठाने वाले को अपने एक हाथ से दूसरे हाथ की कब्र खोदनी पड़ती है। साला कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ ये? किसने किया? शेट्टी ने। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, और उसने एक कस्टमर के लिए मेरी ये हालत कर दी, और वो भी सबके सामने। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पर बात कर दूंगी। मेरा साथ दोगे ना? है। मैं जानती हूँ तुम खुद उसे बर्बाद करने का प्लान बना के बैठे हो, है ना? पागल है क्या? मैं शेट्टी से पंगा नहीं ले सकता हूँ। एक बार मैं पंगा लेके देख चुका हूँ, साला भिखारी जैसी हालत बनाती थी उसने मेरी। ये देखो, ये माल उसने कस्टमर के लिए दिया था, अब हमारा है। साली खुद भी मरेगी और मेरे को भी मरवाएगी।
चाय जाके माल वापस शेट्टी को दे के आ। मैं वापस नहीं जा सकती। मैं बात करता हूँ ना शेट्टी से। नहीं नहीं, वो मुझे मार डालेगा। जब मुझे टोपी पहना सकती है तो शेट्टी क्या चीज है, उसको भी कोई कहानी बना के चिपका देना। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। प्यार की? देख ना तू। सॉरी मैम। ओह, तो ये बात है। टेस्ट बदल गया तुम्हारा और स्टैंडर्ड भी। मैंने शेट्टी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। मैं शायद गलत टाइम पर आ गई। नहीं, नहीं नहीं, आओ बैठो। शेट्टी ने भेजा था उसको चेक करने के लिए कि मैं उसके साथ हूं या नहीं। प्यार करते हो उससे? प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब फ्री में सेक्स करने के बहाने होते हैं। ये भी उसने कहा होगा तुमसे? छोड़ना, कुछ और बात करते हैं। पहले एक बात का जवाब दो, do you believe in love or not? प्यार भूत जैसा है, बिलीव तो सब करते हैं लेकिन देखा किसी ने नहीं आज तक। मैंने देखा है। रात को तेरी चांदनी बन के मैं तुझे प्यार करूं, सुबह को तेरी रोशनी बन के मैं तुझे प्यार करूं, हाले दिल तुझको सुनाऊं, हाले दिल गमे दिल तुझको सुनाऊं, गमे दिल तू मेरा रहबर, तू ही मेरा दर, तुझसे है रोशन मेरे दिल का जहां। मर जावा मैं तेरे नाल, मर जावा मैं तेरे नाल, मर जावा हसीने नाल। मर जावा आशीने ना।
समाचार हैं? आहो आइका, इंस्पेक्टर मनीष ददीच आए हैं। मनीष, हाँ क्या खबर? सर आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बैठो, चाय पियोगे? या चाय बनाओ दो। तुम बैठो बैठो। दो दिन पहले अभिजीत हेडक्वार्टर आया था, उसे बताया होगा आपको। किस बारे में? उसको लगता है कि डिपार्टमेंट का कोई आदमी है जो शेट्टी को ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। बोला था मेरे को। हाँ एक आदमी पहले भी था ऐसे जो कि पकड़ा गया, मकरंद कुशवाहा। हाँ हाँ जानता हूँ, मिरेंडरी काम करता था वो, लेकिन फिर वो शेट्टी के साथ काम करने लग गया। हाँ ये भी जानता हूँ। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिन लोगों ने मकरंद का खून किया, चाइनाटाउन में उसकी वाइफ रेशमा और इंस्पेक्टर पवन, उनको भी शूट किया। अच्छा, बलिस्टिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट से मुझको ये पता लगा है कि इट्स द सेम गन सेम बुलेट्स, यानी कि सेम ऑपरेटर। तो मेरे अंदाजे से इस सबके पीछे शेट्टी का ही हाथ है, उसी ने सबको मरवाया। ये चाय भी तो बनी नहीं क्या? चाय बना रही हो या उसमें डुबकियां मारी हो? हाँ तुम कुछ कह रहे थे। सर मैं ऐसे कुछ पुराने रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो मुझे पता लगा कि मकरंद के साथ हमारे डिपार्टमेंट का एक और आदमी था जो सस्पेक्ट जरूर था, मगर डिपार्टमेंट के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अभिजीत को बताया सब? नहीं। चाय भी वेस्ट हो गई, एक तुम पी लेना। हाँ फेंकना मत। ये क्या हो गया? एक ट्रिक मानो फिर बताता हूं। टिप मिली थी मेरे को चाइनाटाउन के शूटर लोगों के बारे में, लेकिन उधर गया तो साला मेरे गेम बजाने के चक्कर में थे साले। लेकिन तू गया क्यों वहां पे? ये भूल गया कि तुम ड्यूटी पे नहीं? लेकिन साला कीड़ा अभी तक बाकी है ना। कीड़ा नहीं येड़ा है तू, येड़ा। उधर क्या हुआ? ये तो मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी। क्या
उन्होंने पहले मनीष को मारा, वो तेरे पीछे पड़ गए। मनीष भी वही एंगल पे काम कर रहा था। मनीष की रिपोर्ट में किसी शोभराज खत्री का जिक्र है। जानते हो शोभराज खत्री को? नहीं। वो जो लोग तुम्हें मारने आए थे, भाग गए या तुमने ठोक दिया उनको? कैसे ठोकता मामा, ड्यूटी पे थोड़ी हूँ। पर ना उल्टा केस मेरे पे ही लग जाता। ऐसे कैसे हो जाता? मैं हूँ ना, सब सवाल हूँ। तुम आज के दिन पी लो। हेलो, कहाँ है तू? साले काम नहीं होता यार तुम लोग से। हेलो, मैं बोलता कहीं कुछ, तुम्हें बंदूक है क्या तेरे? हेलो, तुम्हारा मामा? सगा मामा, मालूम है जब चश्मे को आंखों पे लगाओ तो चश्मे के थ्रू सब कुछ दिखता है, लेकिन चश्मा ही नहीं दिखता। लेकिन जब चश्मा निकालो तब जाके पता चलता है कि चश्मे में ही डिफेक्ट है। तो अब क्या, जब माँ से मिलूंगा तब सॉरी बोल दूंगा, और क्या? मतलब प्लान क्या है? शेट्टी की कब्र खोदने का प्लान है। सर वो सब जानता है कि डिपार्टमेंट का ड्रग्स आप शेट्टी को सप्लाई करते हो, और वो उस पे हाथ साफ करने के लिए प्लान भी बना रहा है। लड़ा है सर। माल एवन है भाई, ये तो सिर्फ सैंपल है। भाव मार्केट से अच्छा। माल किसका है? डिपार्टमेंट का। अच्छा सुन, पोर्चुगल के लिए तो टिकट बुक कर, चल नाम लिख। टेंशन मत लो शेट्टी साहब, आपका माल एकदम तैयार है। जब तक माल मेरे पास पहुंचता नहीं कुछ भी सेफ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, दत्ता को भेजाऊं तेरे पास? तेरे सेफ्टी के लिए नहीं, मेरे माल की सेफ्टी के लिए। Yes, hey! इसकी मां की आंख। hey! कौन है? आहो मिया है। तो बोल ना। ए, वो गाड़ी किसकी खड़ी है? मुझे नहीं पता। ए, कौन है? साई दत्ता। माल कहाँ है? वो रखा है। चेक। सख्त नन मगन, गेम सुधर गया तेरा?
ना, पहले रानी के पीछे पीछे भागता था, अभी डायरेक्ट राजा पे अटैक। गेम समझ गया ना आपका शेट्टी साहब, आपकी नजर में रानी की कोई वैल्यू नहीं, इसके लिए राजा पे अटैक करना पड़ेगा ना। बराबर बोल रहे तू, लेकिन तू मेरी रानी पर हाथ डाला, मैं कुछ नहीं बोला, पर मेरा माल पर हाथ डालने का सोचा ठीक नहीं किया। माल? कौन सा माल? तू मेरा ड्रग उड़ाने का प्लान बनाया कि नहीं? कौन बोला? तेरा मामा गाइड। तू इधर क्यों? मेरे को किधर होना चाहिए था? क्या लफड़ा है मामा, मेरे पे कौन सा बिल फाड़ने के चक्कर में? मेरे को बोला मैं शेट्टी का माल उड़ाने वाला हूँ? तू बोला नहीं, लेकिन मैं सब जानता हूँ, अलग ही गेम चल रहा है। माल चेक किया? हाँ। चाबी? हाँ। आप भी कहा इस जड़े की बात में आगे मेरे पे चक कर रहे थे। नीचे चक कर। तूने माल बदल क्या? मैंने? हेलो, माल किसके पास? हाँ, माल मेरे पास था। हाँ। अच्छा, तो ये कैसे बदल सकता है? बदल सकता मतलब इसका झोले सब शेट्टी साहब, ये मैंने घर में माल सब चेक करके बना था। हाँ शेट्टी साहब, घर में? घर में? शेट्टी साहब को तेरे सामने मैंने पूरा माल सूटकेस में रखा था कि नहीं? हाँ बोल ना, बोल बोल बोल। आपने ही तो कहा था कि किसी को सूटकेस के बारे में नहीं बताना। मैंने कब कहा था तेरे को? तू पागल हो गई? मैंने कब? ए मौशी मालासांग, कुछ नहीं करेगा, मैं हूँ ना यहाँ पे, बिंदास बोल। यही कि सूटकेस के बारे में किसी को बताना नहीं। आ, आ? मैंने बोला तो तेरे को ये कौन सा सूटकेस? नहीं वो एक ही तो था, एक अच्छा थी ना, और दूसरा उधर है। अब क्या बोलता है गायतुंडे? ये दोनों मिले हुए सब इसकी कालाकंडी है। कितने दिन से चल रहे? तेरे माँ की उम्र की तेरे को शर्म नहीं आती? और तू क्या घोटी थी इसने तेरे को? इससे ज्यादा मजा आता तेरे को? ए मामा बहुत हो गया, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना क्या करेगा? उखड़ेगा मेरा? अरे बच्चा है मेरे सामने तू, तेरे को इधर खड़े खड़े ठोक डालूंगा मैं, जैसे मरीज को ठोका था। तो ठोकना था ना, काय को भेजा ढक्कन को? क्योंकि तू मेरा भांजा है, तेरे को मेरे हाथ से कैसे मारू? और तेरे को गंदे पे बिठा, तू मेरे कान में मुतरा है। ए तुम लोग, ए फैमिली ड्रामा बंद करो, चाबी दे। मेरे पास चाबी नहीं है। कहीं तेरी इसका है, आपके पास ही तो थी। ए मेरे पास कैसी रही चाबी? दत्ता हाँ देखो ना, हाँ, मेरे पास कैसी रही चाबी? हाँ देखो देखो, देखो बराबर से देखो। हाँ चाबी मेरे पास कैसे? मेरे को नहीं मालूम। देखो शेर साहब, सच बता रहा हूँ, मैंने आपको माल नहीं उड़ाया,
पता नहीं कैसे चाबी मेरे पास आ गया। अरे वाह, पोर्टुगल विद फैमिली। अरे गाय थोड़े, मैं समझाता हूं तेरे को। तेरे को लगा कि ये पाटिल सब कुछ जानता है, तुझे ठोक देगा, इसलिए तुम हनीमून का प्लान किया। ठीक किया तूने, लेकिन मेरा 3 करोड़ का माल 1 करोड़ में भेज दिया ना। ये ठीक नहीं किया। बोल किसको भेजा। बोलना रे। मैं क्या बोलू, मैं जो कुछ बोलूंगा तुमको झूठी लगेगा। उसे से काम करो, ठोक डाल मेरे को, मार डालो। ऐसे कैसे मारूंगा तुझे मैं? हाँ, जब तक तू नहीं बोलेगा मैं तुझे नहीं मारूंगा। जब बोलेगा तो मारूंगा। शेट्टी साहब, अपना ये एक्स कॉप इंटेरोगेशन में एक्सपर्ट है। अच्छा, सच बोलती है, तूने ट्रेन किया ना इसको? अरे बाबा, पता करना प्लीज, पता कर। क्या मामा, काय को पंगा ले रहे हो? बता दो ना किसको बेचा माल। तेरे को मैं येड़ा समझता था, लेकिन तू बहुत चाणा निकला। शेट्टी साहब, दत्ता को बोलो ना, मेरे से नहीं होगा ये सब। ये मेरा सक्का मामा है, मैं इसको नहीं मार सकता। मेरी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे फैमिली ड्रामा शुरू हुआ यार, देखना दत्ता कुछ कर। पांडे बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे। क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे यहाँ क्या हुआ था? देखिए, यहाँ पे ड्रग की बहुत बड़ी डीलिंग हो रही थी। जब हमारा यूनिट यहाँ पे छापा मारने के लिए पहुंचा तो उन्होंने ओपन फायरिंग करके भागने की कोशिश की। हमने भी काउंटर फायरिंग की और उनके कुछ लोग मारे गए, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि ये लोग किस गैंग के लिए काम करते थे। जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे। मुझे पता है ये आदमी किसके लिए काम करता था। तेरी तो कौन हो तुम लोग सलीम, जाफर, तुम लोग अंदर कैसे? सलीम जाफर को भूल जा, माल कहाँ है? क्यों दूँ? मेरा माल है, मैं नहीं दूंगा। माल शेट्टी का है। अब मेरा है, मैंने खरीदा है, समझा? पंगा मत ले, बोलता है ना तेरे शेट्टी का आदमी है। शेट्टी का आदमी है ना तो मेरे इससे, समझा? मैं नहीं दूंगा, क्या कर लोगे तुम? ए, जाके माल लेके आ। रुको बे, अपने आदमी को रोक, क्या कर रहे तू ये? ए सालो, अगर मेरे माल को छुआ ना सालो गोली मार दूंगा मैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? साले तूने तो माल बेचा था मुझे, फिर
लग गई। ची, 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 ची। क्या गाये तोंडे, ऐसे नहीं करना मांगता तेरे को। अरे फुकट में चार आदमी मर गया यार, थोक दे इसे। मामा, माँ को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। किसने किया? वो सब शेट्टी के आदमी थे। शेट्टी, एस्टिमेट किया साले को। तुम्हें यकीन है तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो? इतना सब कौन सोचता है? तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें लगता है? हाँ, तुमने शेट्टी के कई आदमियों को मरवा दिया, तुम्हारा मामा भी मर गया, लेकिन शेट्टी अभी जिंदा है। हाँ तो मरने के वाले हर आदमी जिंदा ही होता है ना? अगर उसे पता चल गया तो? हाँ बोल। अभिजीत मुझे बचा लो, मुझे बचा। किधर हो तुम? बोला था ना ये जरूर आएगा। आजा एक गेम खेलते हैं, बैठ। चेक। किसके सपोर्ट पे? कोई सपोर्ट नहीं। ये चाल समझ में नहीं आया यार, तूने सिपाही को मारा तो मैंने सिपाही को मारा। घोड़ा उसका सपोर्ट में गया तो मैं घोड़ा को मारा। घोड़े को नहीं मारना चाहिए था, उसी से आपका गेम खराब हो। मैंने एक सिपाही को मारा। ऊंट को मारा। और घोड़े को तो आप तक खुद ही मरवा दिया। वो समझ गया मैं, मेरे घोड़े को कैसे फंसाया तू? उसका सारा धंधा ड्रग्स पे चलता है, तो उसके ड्रग्स की बैंड बजाने का प्लान है। लेकिन सर उनका ड्रग्स हमें नहीं पता कहाँ है। तो तेरे को मैंने क्या यहाँ घंटा बजाने के लिए बुलाया? हेल्प करेगा कि नहीं हमारी? एनीथिंग बॉस, एनीथिंग फॉर यू। लेकिन ये समझ में नहीं आया ऊंट को क्यों मरवाया? सिंपल है शेट्टी साहब, राजा अपनी जगह बदल चुका, अब राजा आपका कासलिंग नहीं कर सकता। बोले तो आ!
चेक एंड मेट। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया यार। सर आप ठीक हैं? सर मेरा बात मान लो। सर आई ओले सर, पांडे पांडे जाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी जाओ। कल रात बार किंग रघुरामन शेट्टी के घर होने वाली फायरिंग ने पुलिस की नींद हराम कर दी है। भूतपूर्व पुलिस अधिकारी अभिजीत पाटिल को जख्मी हालत में अरेस्ट किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने शेट्टी के बार में घुसकर शेट्टी और उनके आदमियों पर हमला किया। मुंबई में पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग वारदातों में 15 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पुलिस का मानना है कि ये एक गैंग वॉर है, लेकिन एसीपी गायतोंडे की लाश जो पुलिस ने शेट्टी मैंशन से बरामद की है, उसने जनता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं इस गैंग वॉर में पुलिस भी शामिल नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में निलंबित पुलिस अधिकारी अभिजीत पाटिल को पुलिस ने जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया है और आज रघुरामन शेट्टी को अपना बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया गया है। पुलिस अभिजीत पाटिल के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? सुनता नहीं है। अरे क्या बात है, हमें मिलने के लिए बहुत बड़ा बड़ा लोग आए हैं यहाँ पे, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, सीबीआई ऑफिसर, और सिर्फ आर्मी चीफ की कमी है। क्या हो रहा है यहाँ पे? सेठी साहब, इस सब का सब भौंरा भांड हो गया है, भौंरा आ गया यहाँ से। सॉरी शेट्टी साहब, मैटर थोड़ा सीरियस है। अगर मीडिया को मौका मिला ना तो हमारी माँ बहन एक कर देगी। मामला अंदर ही निपट जाए तो अच्छा है, इसीलिए दोनों पार्टी को यहीं बुलाया है। दोनों पार्टी? क्या हाल है शेट्टी साहब, फिट? ऐसा है कि शायद आप लोगों को पता है या नहीं, लेकिन ये शेट्टी अपने डांस बार के जरिए ड्रग्स बेचता है। इसके कारण 3 लोगों की मौत हुई। तीनों हमारे ऑफिसर्स थे, एक मकरंद, पवन और मनीष ददीच। अगर ये बात मीडिया को पता चल गई तो इससे हमारे डिपार्टमेंट की क्या इज्जत रहेगी? इस बात का क्या सबूत है? इंक्वायरी बिठाओ, अपने आप प्रूफ मिल जाएगा। वैसे ये शेट्टी आपके सामने ही है, इसी से पूछ लो। नहीं नहीं शेट्टी साहब, हम कहता हूँ आपको कौनो सफाई देने का जरूरत ही नहीं है, हम हैंडल कर लूंगा। हम क्या है, डरता हूँ इन लोगों से, क्या कुछ उखाड़ेंगे ये लोग। आईजी, क्या है, मिनिस्टर तक पहुंचाता हूँ पैसा। अरे तू, तेरे बच्चे लोगों को फॉरेन भेजना ना पढ़ाई के लिए, कौन भेजेगा? और आप फार्म लेके खरीद के रखे हैं, फार्म हाउस बनाने की नहीं है? और आप भी कमाल करते हैं यार, 2 हफ्ते में रिटायर होने वाले हैं, लाइफ तो सेटल होना चाहिए। देखिए, आप सब लोगों को जो कुछ भी चाहिए वो मैं देता हूं, ये एनकाउंटर करके ठोक दो साले को। लेकिन मीडिया का क्या? अरे माँ कौन मुश्किल बात है कमिश्नर साहब, कह दीजिएगा कि नौकरी छूट गई तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया, मामा को मार दिया, सेठी साहब पर अटेम्प्ट मर्डर किया, डिपार्टमेंट का इज्जत भी बच जाएगा। करेक्ट मी भाई रांग? बस क्या साहब, इससे 3 पुलिस वालों को ठोका, इसके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय आप मुझे ही बकरा बना रहे हो। क्योंकि तू बकरा है, इन लोगों का अवकाश है क्या मेरे खिलाफ एक्शन लेने की? कौनो ऑप्शन ही नहीं है शेट्टी साहब, आप ठीक कहा। एक ऑप्शन है। अरे अरे ये क्या कर दिया? अरे कमिश्नर साहब गजब हो गया, ए ससुरा बड़ा पुलिस स्टेशन में गोली चला दिया। अब तू तो क्या भारत बाब, तू तो क्या भारत बाब है, आपका जवाब देगा। क्या है ना यादव साहब, ये हेडक्वार्टर में गन लेकर आया, इसने एक सीबीआई ऑफिसर को शूट किया, तो इसे शूट करना तो पड़ेगा ना। ए बुर्बा का बकवास कर रहा है, कौन सीबीआई ऑफिसर को शूट किया? आपको शूट किया ना इसने? ये क्या बकवास कर रहे हैं कमिश्नर साहब, भरी सब। अरे हमको कब शूट किया रे? अभी, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग। अरे कमिश्नर साहब देखिए, Thank you.
बोलिए सर, आप क्या बोलते हैं? गुड, वेरी गुड जॉब। अरे लेकिन एसीपी गायतोंडे का क्या करेंगे? गायतोंडे को हीरो बनाना पड़ेगा। एक काम कर दे, बोलेंगे शेट्टी को अरेस्ट करने गया था, शहीद हो गया। अगर हीरो ही बनाना है सर तो एक से काम थोड़ी चलेगा। एसीपी गायतोंडे के हाथ काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस लगते हैं, इसीलिए तो शेट्टी ने उनकी हत्या करवा दी। हमें गायतोंडे की मौत का दुख है, लेकिन साथ ही गर्व भी कि वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गए। एक्चुअली वो एक नाटक था शेट्टी को धोखा देने का। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उस बार में ना सिर्फ डांस होता है बल्कि वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स का भी कारोबार चलता है। He was on duty as an undercover cop. Yes, he was a real hero. Chief, चालते मारा समर। कुछ लोग मुझे अच्छा पुलिस वाला बोलते हैं और कुछ लोग बुरा, लेकिन वो मनीष ठीक ही बोलता था। आदमी अच्छा या बुरा होता, पुलिस वाला सिर्फ एक पुलिस वाला होता है। ये गाना है मुंबई का, मुंबई स्टाइल, एड़ा पाटिल का स्टाइल। चकास कर भी खा के डकार न मारू, मैं चौराहे पे नंगा कर कर के मारू, मैं अजगर भी खा के डकार न मारू, मैं चौराहे पे नंगा कर कर के मारू। चढ़ा बूट ससे उतारे, नाम जपते सुबह शाम सारे, एक दो तीन चार अलारे अलारे, सुबह शाम सारे आला रे आला रे, खेड़ा पाटी लाला रे, आला रे आला येड़ा पाटी लाला रे, गणपट्टी पे सबके पटका बजा ला रे।